नमस्कार, सुलभ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। 26 साल के राजू उत्तराखंड के निवासी हैं और सागर जिले में 56 इंजीनियर यूनिट में पोस्टेड हैं। आर्मी के स्पोर्ट्स पर्सन राजू रावत ने उन तमाम लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया है जो किन्हीं कारणों से जिंदगी में उम्मीदें खो देते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात देकर आए राजू ने नौकायन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक हासिल किए। भोपाल में हुई इस चैंपियनशिप में 13 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। भोपाल की बड़ी झील में आयोजित इस चैंपियनशिप में राजू रावत ने 500 मीटर C2 और 200 मीटर C2 कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल किए। साल 2014 में एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर सुर्खियों में आए राजू को साल 2015-16 में कैंसर हो गया था। बीमारी की वजह से राजू 2 सालों तक बेड पर ही रहे, लेकिन साल 2018 में कैंसर को मात देकर उन्होंने फिर जोरदार वापसी की। और बात करते हैं दिल्ली की। एक सिग्नल के पास एक रौबदार दिल्ली पुलिस के अफसर कुछ बच्चों के साथ बैठे दिखते हैं। वो उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। रोहिणी इलाके के अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 50 से ज्यादा बच्चों में ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर शिब्बू एम के शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। शिबू रोहिणी ट्रैफिक सर्कल में SI के पद पर तैनात हैं। शिबू बताते हैं कि एक साल पहले जब उन्हें रोहिणी एरिया की जिम्मेदारी मिली तो काफ़ी संख्या में छोटे बच्चे अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए देखे जा सकते थे। कई महीनों तक इन बच्चों को और इनके परिवारों को समझाने के बावजूद जब भीख मांगने से ये लोग बाज नहीं आए तो शिबू ने इन बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का मन बना लिया और इसी का नतीजा है कि आज करीब 50 से अधिक बच्चे शिबू से शिक्षा ले रहे हैं। और इसी के साथ गुड न्यूज़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए सुलभ टीवी। नमस्कार। हमारे वीडियोज़ को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।